भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 विश्व कप 2022 की हार के बाद शुक्रवार को अध्यक्ष चेतन शर्मा सहित पूरी वरिष्ठ चयन समिति को बर्खास्त कर दिया है। टीम इंडिया को खिताब जीतने की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया का 15 साल बाद खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया। बता दें, चेतन शर्मा के कार्यकाल के दौरान भारत टी20 विश्व कप के 2021 संस्करण में नॉकआउट चरण में पहुंचने में भी विफल रहा था और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार गया था। इसी के साथ चेतन उत्तर क्षेत्र, हरविंदर सिंह मध्य क्षेत्र, सुनील जोशी दक्षिण क्षेत्र और देवाशीष मोहंती पूर्वी क्षेत्र ने हाल के दिनों में वरिष्ठ राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के रूप में छोटा कार्यकाल पूरा किया। इनमें से कुछ की नियुक्ति 2020 में और कुछ की 2021 में हुई थी। बीसीसीआई ने शुक्रवार को ही राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के 5 पद के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन आवेदन के साथ बीसीसीआई ने कुछ मानदंडों को भी तय किया है, जिसको पूरा करने वाले खिलाड़ी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें, बीसीसीआई की प्रेस रिलीज के अनुसार जो उम्मीदवार उक्त पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने आवेदन पर विचार करने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदन करने वाले खिलाड़ी कम से कम 7 टेस्ट या 30 फर्स्ट क्लास मैच या फिर 10 वनडे और 20 फर्स्ट क्लास मैच खेले होने चाहिए। साथ ही साथ आवेदन करने वाले खिलाड़ी को कम से कम संन्यास लिए हुए 5 साल होने चाहिए।